शिल्पा और आकाश की शादी को मात्र 6 महीने हुए थे और आकाश अपनी रंग दिखाना चालू कर दिया था। शिल्पा एक गरीब किसान की बेटी थी और बहुत ही संस्कारी भी। आकाश की माँ को संस्कारी लड़कियाँ बहुत पसंद थी, इसलिए वह आकाश की शादी शिल्पा से करवा देती है। शिल्पा आकाश को पसंद करने लग गई थी, लेकिन आकाश उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आकाश शहर में रहने वाला मॉडर्न जमाने का लड़का था, तो वहीं शिल्पा गांव की रहने वाली सीधी साधी लड़की थी। आकाश को शिल्पा जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी एक दिन शिल्पा, आकाश जी मुझे शॉपिंग करने जाना है, आप लेकर जा सकते हैं क्या? नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ तो नहीं जा सकता, तुम माँ के साथ चली जाओ। और हाँ, आज मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मेरा इंतजार मत करना तुम। आकाश इतना कहकर वहां से चला जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। आकाश अपनी केबिन में बैठा रहता है, तभी मैं आई कम इन सर। यस कमिंग। हेलो सर, मेरा नाम गुनगुन है और आज ही मैंने कंपनी में ज्वाइन किया है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कौन से डिपार्टमेंट में हो तुम? फूड डिपार्टमेंट में सर। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा तुम्हें। ओके सर। गुनगुन को देखकर आकाश के मन में लड्डू फूट गया, क्योंकि गुनगुन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आकाश चाहता था। शाम से रात हो जाती है, आकाश अपने कार में घर के लिए निकलता है, तभी उसे पार्किंग एरिया में गुनगुन मिलती है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया सर, मैं चली जाऊंगी। देखो अभी रात काफी हो गई है, तुम्हें बस अभी मिल भी पाएगी या नहीं बोल नहीं सकते। इससे अच्छा होगा आओ मेरे कार में बैठो, छोड़ दूंगा। गुनगुन आकाश के साथ बैठकर चली जाती है। दोनों जाते रहते हैं, तभी आकाश, वैसे कहाँ रहती हो तुम? इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ सर, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, यहाँ थोड़ा आगे में रुक देना, मेरा घर आ गया। तुम यहाँ रहती हो और तुम्हारे बगल वाला मकान मेरा है, मतलब तुम मेरी पड़ोसी हुई ना? हाँ कुछ ऐसा ही समझिए, तो अब मैं चलती हूँ। गुनगुन को अपना पड़ोसी देख आकाश का मन खुशी से भर जाता है। आकाश अपने कमरे में जाता है। आ गए आप, चलिए मैं आपको खाना दे देती हूँ। तभी आकाश झिड़क के कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरा इंतजार मत करना, फिर भी तुम नहीं मानती हो, मुझे नहीं खाना खाना, मैंने बाहर से डिनर कर लिया है, मुझे अब सोना है, तो परेशान करना बंद करो अब। शिल्पा को बहुत बुरा लगता है कि आखिर आकाश उसके साथ ऐसा क्यों करता है। वह कारण जानने के लिए उपाय बनाने लगी और सो गई। सुबह हो जाती है। शिल्पा सुबह उठकर सारा काम करके पूजा करती रहती है, तभी वहाँ आकाश आ जाता है। शिल्पा आकाश को आरती देने जाती है, आकाश अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में आकाश बहुत खुश रहता है। गुनगुन आकाश के केबिन में आती है। सर मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ कहो। कल के लिए शुक्रिया, मैं बोलना ही भूल गई थी। कोई बात नहीं। अच्छा आज तुम फ्री हो क्या छुट्टी के बाद? छुट्टी के बाद घर ही जाती हूँ तो फ्री ही हूँ, बताइए क्या काम है आपको? काम तो कुछ नहीं है, आज मेरे साथ डिनर में चलोगे क्या? डिनर में? अच्छा ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। शाम हो जाती है, आकाश गुनगुन का इंतजार करता रहता है। तभी गुनगुन साड़ी में वहाँ आती है। आकाश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोनों डिनर के लिए निकल जाते हैं। तभी आकाश, तुम अचानक ऑफिस वियर से साड़ी में कैसे आ गई? क्यों अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं नहीं बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा तुम अकेले रहती हो क्या? हाँ अकेले ही रहती हूँ। एक्चुअली मेरा परिवार एक एक्सीडेंट में मारा गया, तब से लेके आज तक मैं अकेले ही रहती हूँ। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ओह सर आपने क्या सवाल पूछा है, बताइए। दिन भर तो मैं ऑफिस में रहती हूँ, उसके बाद घर आती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। ऐसे सिचुएशन में मैं बॉयफ्रेंड को टाइम कैसे दूंगी? इधर मेरे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। आकाश को बहुत खुशी होती है। तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सर बोलना बंद करो, और सेकंड बात ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब से तुम्हें अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तभी गुनगुन, मुझे लेट हो रहा है मैं चलती हूँ। गुनगुन वहाँ से चली जाती है। वह रात को आकाश के बारे में सोचती रहती है और सोचते सोचते सो जाती है। सुबह हो जाती है, आकाश ऑफिस घूम जाता है, लेकिन गुनगुन आज उसे कहीं दिख नहीं रही थी। आकाश उसके केबिन में जाकर देखता है, वो वहाँ नहीं रहती है। तभी, एक्सक्यूज मी आज गुनगुन नहीं आई है क्या?
नहीं सर, आज गुनगुन मैम नहीं आई है, शायद उनका तबीयत खराब है इसलिए नहीं आई है। आकाश तुरंत अपनी कार लेकर गुनगुन के पास पहुंच जाता है। तभी गुनगुन, सर आप यहाँ कैसे, कुछ काम है क्या? तुम्हारा तबीयत कैसा है, तुम ठीक तो हो ना? मतलब आप सिर्फ मेरी तबीयत पूछने के लिए ऑफिस छोड़कर यहाँ आ गए? हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। उसी समय शिल्पा सब्जी लेने बाजार जा रही थी, तभी वह आकाश को गुनगुन के साथ देखती है। आकाश वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है, शिल्पा आकाश का इंतजार करती रहती है, तभी उसे कॉल आता है। शिल्पा आज मैं घर नहीं आऊँगा तो तुम सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। शिल्पा के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आ रही थी जो वह सोचना भी नहीं चाहती थी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ज्यादा मत सोच, आकाश जी आज ज्यादा बिजी होंगे ना काम में, तभी घर नहीं आए, कोई बात नहीं कल सुबह तो आ ही जाएंगे। उधर आकाश ऐस कर रहा था, वह गुनगुन के घर था। जो शिल्पा सोच रही थी वैसा ही हुआ। आकाश और गुनगुन बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी आकाश, मैंने तुमसे कुछ कहा था उसका जवाब तुमने नहीं दिया है मुझे, और उस दिन तुम अचानक उठकर चली क्यों गई? तुम्हें अभी भी जवाब चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स चाहिए जवाब मुझे। जवाब तुम्हारे सामने है, तुम मेरे घर में हो और वो भी इतनी रात को, इससे तुम्हें क्लियर नहीं होता क्या? मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? हाँ पसंद करती हूँ, तभी तो तुम मेरे पास हो मेरे घर में। आकाश बहुत खुश होता है और कहता है, तो मैं आज रात यहाँ रुक रहा हूँ, तो मैं कहाँ सोऊंगा, क्या मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा? ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं है, तुम यही सोफा में सोना क्योंकि एक ही बेड है, ओके? अब सो जाओ, मैं चलती हूँ सोने। सुबह हो जाती है, आकाश गुनगुन के घर से ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहाँ शाम को घर आता है। कहाँ रुके थे आप, अच्छे से सो तो पाए हो ना? तुम्हारा शक्ल देख कर ना मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। और हाँ एक बात और क्लियर कर दो, तुमसे मैंने शादी अपनी मर्जी से नहीं की है, माँ की वजह से करना पड़ा, वरना मैं तुम जैसी गंवार देहाती को देखता भी नहीं हूँ, अब हटो मेरे रास्ते से। शिल्पा को आकाश की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर खंजर चला दिया हो। शिल्पा को शक होता है कि कहीं उसका पति उस पड़ोसी वाली के साथ तो नहीं है। शिल्पा उसी समय तुरंत गुनगुन के घर जाती है। तभी गुनगुन, जी आप कौन? अंदर आने दोगी या यहीं बात करोगी? हाँ अंदर आओ बैठो, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? तुम बगल वाले घर में जो आकाश रहते हैं उसे जानती हो ना? मैंने उस दिन उन्हें तुम्हारे घर से निकलते देखा था। हाँ बिल्कुल जानती हूँ, वो मेरे बॉस हैं, हम एक ही साथ काम करते हैं। काम के अलावा और कुछ थोड़ी ना चल रहा है तुम दोनों के बीच, अगर कुछ चल रहा होगा तो मुझे साफ साफ बता दो। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम कौन हो उसके जो मुझसे ये सब सवाल कर रही हो? मैं कौन हूँ तुम्हें आकाश ने नहीं बताया है क्या? नहीं उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। ठीक है मैं ही बता देती हूँ, मैं आकाश की वाइफ हूँ, हमारी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं और वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते हैं, कहीं उसका कारण तुम तो नहीं हो? गुनगुन शॉक में चली जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि आकाश ने उसे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया है। फिर वह कहती है, नहीं हमारे बीच कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे बॉस है और कुछ भी नहीं। ठीक है सुनकर अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ। शिल्पा वहाँ से चली जाती है। गुनगुन अब आकाश से बातचीत करना बंद कर देती है और खुद को उसके पास जाने से रोकती है। आकाश अपने कैबिन में बैठा रहता है। वह गुनगुन को अपने कैबिन में बुलाता है और पूछता है, क्या हो गया है तुम्हें, तुम मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, काम के सिलसिले से बात करना है तो बोलिए, वरना मैं जा रही हूँ। आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने कोई गलती कर दी क्या? हाँ बहुत बड़ी गलती की है तुमने, तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, मेरी क्या हालत हो रही है तुम्हें अंदाजा भी है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुम अब मेरे घर मत आना प्लीज। गुनगुन वहाँ से चली जाती है। आकाश सारी बात समझ जाता है। ऑफिस से छुट्टी होते ही आकाश सीधे गुनगुन के घर जाता है। गुनगुन दरवाजा खोलो, मुझे कुछ समझाना है तुम्हें, प्लीज दरवाजा खोलो। तभी गुनगुन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ तुम अपने घर, प्लीज एक बार दरवाजा खोलो, तुम्हें सब बताऊंगा मैं। गुनगुन दरवाजा खोलती है, क्या बोलना है जल्दी बोलो, अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। दोनों अंदर में बैठते हैं। देखो मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, मेरी माँ के दबाव में हुआ है और मैं उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी बात को समझो प्लीज। ठीक है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो उस लड़की का क्या होगा, ये सोचा है तुमने? वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती।
तुम नहीं, वो हमारे विचार ही है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो हमारे प्यार का सबसे खूबसूरत पल है, तुम मुझे मत रोकना प्लीज। आकाश गुनगुन को गोद में उठाकर कमरे में लेकर जाता है। उन दोनों के बीच वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। गुनगुन भी खुद को रोक नहीं पाई और अपने आप को आकाश को सौंप बैठी। शिल्पा आकाश का इंतजार करती रहती है। रात काफी हो गया था तब भी शिल्पा गुनगुन के घर चली जाती है। पीछे वाले कमरे से खिड़की से देखती है कि दोनों एक बिस्तर में बाहों में बाहें डाले सोए हुए हैं। शिल्पा कुछ नहीं कहती है, वहां से चली जाती है। सुबह हो जाती है, शिल्पा चुपचाप सोफे में बैठी रहती है। तभी आकाश घर आता है। माँ कहाँ हो तुम? वह शिल्पा को सामने देखकर भी अपनी माँ को आवाज लगाता है। शिल्पा कुछ नहीं कहती, चुपचाप बैठी थी। तभी आकाश, तुमने माँ को देखा है क्या? शिल्पा कुछ नहीं कहती, चुपचाप बैठी रहती है। तभी आकाश, वो खामखा मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, कुछ कहोगी कि नहीं? तभी शिल्पा कहती है, कैसी गई आपकी रात? आपको तो मजा आया होगा ना गुनगुन के साथ रात गुजार के। शिल्पा का ये जवाब सुनकर आकाश थोड़ा डर जाता है। अच्छा, मतलब तुमने सब कुछ देख लिया। चलो अच्छा ही हुआ, मेरे बताने से पहले तुम्हें सब पता चल गया। हाँ, मैं गुनगुन से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। तभी शिल्पा, अगर मैं तुम्हें पसंद ही नहीं थी तो तुम शादी के पहले ही बोल देती, मेरी जिंदगी खराब करने का हक तुम्हें नहीं था। तुमने मुझसे शादी की और प्यार किसी और से कर रहे हो, यहाँ बर्बाद कौन हुआ? पत्नी समझ के ना सही, एक दोस्त समझ कर बता देते। आकाश को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शिल्पा से माफी मांगने लगता है। तभी शिल्पा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, अब तुम गुनगुन को प्यार करते हो तो उसी के साथ रहना हमेशा, मरते दम तक उसे मेरे जैसे अकेले कभी मत छोड़ना। और वह ऐसा कहकर आकाश की जिंदगी से दूर चली जाती है और आकाश और गुनगुन खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी से प्यार नहीं करते तो फैमिली या मजबूरी में उसकी जिंदगी बर्बाद करने का हक भी नहीं रखते हैं।